माननीय गृह मंत्री जी जगदीशपुर आरा में पहुंच रहे हैं। बिहार में वीर कुंवर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी अपने आने वाली पीढ़ियों से उनके जो कार्य हैं उनसे रूबरू कराएगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव जी, यहाँ उपस्थित मीडिया प्रभारी राकेश जी, अशोक जी और राजू जी और सभी पत्रकार बंधियों, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें बिहार के सभी जिला विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, 13 जिलों के अध्यक्ष, उनके जिले प्रभारी के साथ एक बैठक हुई है। और बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आज माननीय गृह मंत्री जी जगदीशपुर आरा में पहुंच रहे हैं और यह भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में योजना बनाई है कि ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई जी को और बिहार में वीर कुंवर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी अपने आने वाली पीढ़ियों से उनके जो कार्य हैं उनसे रूबरू कराएगी। और इसी सिलसिले में यह निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम पूरे तौर पर गैर राजनैतिक है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कार्यक्रम में सहयोगी की भूमिका में है और वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि वह राष्ट्रीय ध्वज के साथ वहाँ उपस्थित हों। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम 75,000 झंडों से को फहरा करके माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष वीर कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। यह अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हर जनता को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो बलिदान दिया है उससे सभी को परिचित होना चाहिए। और आप लगातार देख रहे होंगे कि चाहे वह ट्रेन हो या हवाई जहाज हो, कहीं भी अनाउंसिंग सिस्टम में यह पूरा एक वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, उसका जिक्र होता है, उस इलाके के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में उस अनाउंस सिस्टम से बताया जाता है।